हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है। दिस इज यश, योर टेक मेट। और दोस्तों ये है टेक्नो पोवा 5, जो कि पिछले 15-16 दिनों से हमारे पास में है। एंड इन 15-16 दिनों में इस स्मार्टफोन को हमने बहुत ही तगड़े तरीके से टेस्ट किया है। डिस्प्ले टेस्ट किया, बैटरी टेस्ट किया, गेमिंग टेस्ट किया, कैमरा टेस्ट किया एंड व्हाट नॉट, मतलब सारी चीजें हमने तगड़े तरीके से इंटेंसली इस फोन में टेस्ट करी है। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा अपने ऑनेस्ट ओपिनियन इसी फोन के बारे में कि क्या ये स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड क्या ये स्मार्टफोन इस सेगमेंट का दी बेस्ट स्मार्टफोन है या नहीं है। सारी चीजें डिस्कस करते हैं बस एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बातचीत को, और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे फोन के बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन एंड कंफर्ट के बारे में। ये जो फोन है प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक दिया गया है, प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, ग्लास फ्रंट आपको दिया गया है। बैक में जो प्लास्टिक है वो हार्ड प्लास्टिक है एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक दिया गया है, जो कि फिंगरप्रिंट्स के निशान काफी ज्यादा खींचता है भाई, मतलब फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, बार बार आपको साफ करना पड़ेगा। इवन जो कैमरा मॉड्यूल है वहां पर भी बहुत सारे फिंगरप्रिंट के निशान आते हैं, एंड इवन जो फ्रेम है वो भी ग्लॉसी दी गई है, वहां पर भी काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट के निशान आते हैं। सो यस, फोन जो है बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, कहीं से भी दबता करता नहीं है, कहीं से लूज फिटिंग आपको नहीं मिलेगी, प्रीमियम फील भी आपको देता है, लेकिन बस कवर लगा करके आपको रखना पड़ेगा। एंड कवर लगाने के बाद में थोड़ा सा बल्की फील होता है, काफी बड़ा सा फोन लगता है। एंड जेब में जब इस फोन को आप रखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ भारी सी चीज आपकी जेब में रखी हुई है। सो यस, ओवरऑल थोड़ा सा बल्की साइड पर है फोन, लेकिन इन हैंड फील अच्छा है भाई साहब। वेट बैलेंस जो है फोन का अच्छा दिया गया है, बहुत ज्यादा स्लिम तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक यहाँ पर आपको थिकनेस मिलती है। वेट भी जो फोन का है 6000 एमएएच की बैटरी होने के बावजूद उतना ज्यादा नहीं है, एंड ओवरऑल इन एंड फील तो बढ़िया है भाई। तो बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट में तो आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। और डिजाइन की अगर बात करें तो इस फोन का जो डिजाइन है काफी सही है। इस डिजाइन को टेक्नो साइबर मेचा डिजाइन बोलता है एंड काफी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। बैक में आपको ट्रांसपेरेंट बैक दिया गया है जो कि काफी सही फील आपको देता है, एंड फ्रंट में भी सेंटर पंचोल दिया गया है एंड पतली सी चिन आपको देखने के लिए मिलती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन एंड कंफर्ट के मामले में तो बढ़िया स्मार्टफोन है, वहां पर आपको शिकायत नहीं आती है। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन के अंदर आपको बहुत ही तगड़ा डिस्प्ले दिया गया है भाई साहब, क्योंकि इस सेगमेंट में ऐसा डिस्प्ले मिलना बहुत डिफिकल्ट है। 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन है, आईपीएस एलसीडी पैनल है, वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में एंड 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ में। सो इस सेगमेंट में ऐसा डिस्प्ले वैसे तो किसी और स्मार्टफोन में आई डोंट थिंक आपको मिल रहा होगा। एंड भाई साहब ऐसा नहीं है कि चीप क्वालिटी का डिस्प्ले यहां पर दिया गया है, डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, डिस्प्ले में आपको कलर्स बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, शार्पनेस आपको बहुत अच्छी मिलती है, ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, Amazon Netflix पर आप HD में कंटेंट देख सकते हैं, ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ YouTube पर 1440 पिक्सल्स 2K वाले वीडियोस आप स्ट्रीम कर सकते हैं। हाँ, HDR का सपोर्ट जरूर से यहां पर आपको नहीं दिया गया, जो कि इस सेगमेंट में आई डोंट थिंक कहीं और मिलता है, लेकिन ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस इस फोन के साथ में पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, कंटेंट वॉचिंग में आपको कोई शिकायत नहीं आती है। हाँ, ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो इंडोर विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में ये जो स्मार्टफोन है थोड़ी सी कम ब्राइटनेस का फील आपको देता है, थोड़ा सा गड़ा करके आपको देखना पड़ता है, उतना ज्यादा विजिबल डिस्प्ले नहीं रहता है। सो यस, ब्राइटनेस वाइज उतना मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक ठाक ब्राइटनेस यहां पर आपको मिल जाती है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर आपको दिया गया है, जो कि काफी स्मूथ आपको फील कराता है, कहीं भी जर्क्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलती है। एंड सबसे अच्छी बात कि इस डिस्प्ले को आप 120 हर्ट्ज पर रख सकते हैं, 90 हर्ट्ज पर भी रख सकते हैं, 60 हर्ट्ज पर भी रख सकते हैं, एंड ऑब्वियसली ऑटो मोड तो यहां पर आपको मिल ही जाता है। सो मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी में शिकायत नहीं है भाई साहब, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच आपको मिलती है, डिस्प्ले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है द लेजेंड मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर, जो कि इंडिया में आई थिंक बहुत सारे स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है एंड अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड भी हो चुका है। एंड इस फोन की भी जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस है भाई, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, कोई एनर्जी एफिशिएंसी का इशू मुझे देखने के लिए नहीं मिला, कोई थर्मल मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं मिली। भाई साहब ये जो फोन है थर्मल मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है, कभी भी ओवरहीटिंग की दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली है, जबकि मैंने इस फोन को
बहुत इंटेंसली यूज किया है, लेकिन फिर भी इस फोन का जो थर्मल मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया रहा। डे टू डे की परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे, एकदम स्मूथ डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको मिलती है भाई साहब, कोई शिकायत आपको नहीं आती है। बढ़िया बैलेंस्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने को मिलती है। LPDDR4X रैम यहां पर आपको दिया गया है, 8GB की रैम यहां पर आपको मिलती है, एंड एक बहुत ही फर्जी वाला फीचर भी यहां पर आपको दिया गया है जहां पर आपको वर्चुअल रैम देखने के लिए मिलती है 8GB तक की। तो इवेंचुअली इस फोन के अंदर आपको 16GB की रैम मिलती है, 8GB की फिजिकल, 8GB की वर्चुअल, जहां पर वर्चुअल रैम का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जो फिजिकल रैम दी गई है, रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है भाई साहब। मतलब मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन रैम में बनी हुई रहती है। हाँ, जो हैवी एप्लीकेशंस है वो थोड़े समय बाद वाइप आउट हो जाती है, उनको वापस से लोड करना पड़ता है, लेकिन फेयरली एग्रेसिव रैम मैनेजमेंट यहां पर आपको मिल जाता है। एंड स्टोरेज की अगर बात करेंगे तो UMCP वाला यहां पर आपको स्टोरेज दिया गया है जो कि अच्छी खासी रीड राइट की स्पीड आपको देता है, एंड ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी बढ़िया तरीके से हो जाता है, तो वहां पर शिकायत नहीं है। नाउ इट कम्स टू गेमिंग, तो यहां पर जो गेमिंग का एक्सपीरियंस रहता है वो भी काफी अच्छा है। 40 FPS की गेमिंग आप आराम से कर सकते हैं, कोई शिकायत आपको नहीं आती है। हाँ, एक आध घंटे की गेमिंग आप कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में आपको थोड़े बहुत लैग्स या थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल सेटिंग में अगर आप गेमिंग करेंगे तो गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। कैजुअल गेमिंग के लिए ये जो स्मार्टफोन है डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत ही बैलेंस्ड एंड बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड यहां पर आपको मिलती है, परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस वाइज ये जो स्मार्टफोन है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके बाद में कैमरास की अगर बात करेंगे तो दो कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है, दूसरा कैमरा कोई काम का नहीं है, एंड फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। पहले बात करते हैं रेयर कैमरा आउटपुट की, तो नॉर्मल डेलाइट में रेयर कैमरा के आउटपुट पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे भाई साहब। कलर्स आपको अच्छे मिलते हैं, डिटेल्स आपको अच्छी मिलती है, शार्पनेस अच्छी है, डायनामिक रेंज उतनी बेटर नहीं है लेकिन डायनामिक रेंज भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, लाइट कंट्रोल भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। सो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से नॉर्मल डेलाइट की जो इमेजेस है वो बहुत अच्छी निकल करके आ जाती है, स्किन टोन्स आपको अच्छे मिलते हैं, पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन बढ़िया तरीके से काम करता है। सो ओवरऑल नॉर्मल डेलाइट की इमेजेस तो बढ़िया है भाई साहब, वहां पर आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। नाइट की अगर बात करेंगे तो नाइट इमेजेस भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी निकल करके आती है, डिटेल्स आपको ठीक ठाक मिल जाती है, कलर्स आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, डायनेमिक रेंज भी ठीक ठाक रहती है, एंड शार्पनेस भी इमेज के अंदर आपको ठीक ठाक मिलती है, एंड नॉइज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। सो 10-12 हजार के फोन में अगर ठीक ठाक नाइट इमेजेस निकल करके आ जाती है तो ये जो कैमरा है उस हिसाब से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट में नाइट इमेजेस तो डिजास्टर रहती है भाई, लेकिन इस फोन की नाइट इमेजेस बहुत अच्छी है। उसके बाद में बात करेंगे सेल्फी कैमरा के बारे में, तो 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरा में डिटेल्स आपको उतनी ज्यादा ऑनेस्टली देखने के लिए नहीं मिलती है, स्किन टोन्स आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, डायनेमिक रेंज इज नॉट दैट गुड लेकिन ओके इस डायनेमिक रेंज आपको मिलती है, कलर्स आपको अच्छे मिलते हैं नो डाउट। सो ओवरऑल सेल्फीज भी जो है वो आपकी बढ़िया निकल करके आ जाती है, एंड प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इससे ज्यादा आपको एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए भाई। सो ओवरऑल स्टिल फोटोग्राफी के लिए ये जो कैमरा है बढ़िया परफॉर्म करता है, एंड 12-13 हजार के फोन में, 10-12 हजार के फोन में अगर ऐसा कैमरा आउटपुट मिलता है तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो कैमरा मॉड्यूल अच्छा है। उसके बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, एंड वीडियोस कोई बहुत ज्यादा खास निकल करके नहीं आते हैं, यहाँ पर आप रेयर कैमरा आउटपुट देख रहे हैं। नाउ सेल्फी कैमरा आउटपुट भी कुछ इस प्रकार के निकल करके आते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। सो ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल की बात करेंगे, कैमरा मॉड्यूल बढ़िया है, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से कैमरास में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे बैटरी के बारे में, इस फोन के अंदर बैटरी तो है नहीं भाई, 6000 एमएच का बैटरा दिया गया है, साथ ही साथ 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, 45 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। सबसे अच्छी बात कि ये जो 6000 एमएच का बैटरा है मात्र 71 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है भाई, 1 घंटा 10 मिनट आपको लगेंगे इस फोन को 0 से लेकर 100% तक चार्ज करने में, जो कि काफी फास्ट है मेरे हिसाब से। बैटरी चार्जिंग स्पीड तो आपको बहुत अच्छी मिलती है। बैकअप की अगर बात करेंगे, बैकअप इस फोन के अंदर आपको सॉलिड मिलता है, ओवरनाइट बैटरी ड्रेन कोई बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, एंड ओवरऑल बैटरी बैकअप यहां पर आपको अच्छा मिलता है, मोर देन अ डे, सवा दिन, 1.5 दिन तक का बैकअप ये जो फोन है आपको निकाल करके दे सकता है। सो मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। हालांकि इस फोन का एक डेडिकेटेड बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, अगर वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना, वहां पर आपको इसकी बैटरी के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए बैटरी मॉड्यूल काफी प्रॉमिसिंग है, हालांकि इस फोन के अंदर आपको बायपास चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है। इसके बाद में बात करेंगे सेंसर्स एंड बायोमेट्रिक्स की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़िया काम करता है, 10 में से 9 बार फटाक से अनलॉक करता है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस अनलॉक की भी वही कहानी है भाई साहब, एक्यूरेट है, फास्ट है, सो बायोमेट्रिक्स बढ़िया तरीके से काम करते हैं। सेंसर्स की बात करेंगे, छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स है, बढ़िया तरीके से काम करते हैं, जायरो डिले भी आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। सो यस, मेरे हिसाब से सेंसर्स में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है।
बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में। तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको दिए गए हैं, हाई रेस ऑडियो का सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, प्रॉमिस बड़ा किया गया है लेकिन उतना बेटर आउटपुट यहां पर आपको नहीं मिलता है। हाँ, स्पीकर्स जो है वो लाउड इनफ है, डिटेल्स आपको उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, मतलब बैलेंस भी ठीक ठाक है, 70-30 का बैलेंस मान सकते हैं लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। सो स्पीकर क्वालिटी मेरे हिसाब से यहां पर आपको डिसेंट दी गई है, लेकिन अगर इस सेगमेंट के दूसरे फोन से कंपेयर करें तो भाई साहब बहुत सारे फोन में तो आपको स्टीरियो स्पीकर ही नहीं मिलते हैं, यहां पर एटलीस्ट आपको स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से स्पीकर में आपको शिकायत नहीं आएगी। स्पीकर क्वालिटी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से तो आपको अच्छी दी गई है। इसके बाद में सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे, एंड्रॉइड 13 के ऊपर आपको फोन दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स, साथ ही में मिलता है iOS 13, ब्लोटवेयर्स ढेर सारे हैं, एड्स बहुत सारे आते हैं। अपडेट्स की अगर बात करें तो कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन एक साल के आपको एंड्रॉइड अपडेट्स मिल सकते हैं, 2 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट मिल सकते हैं। तो अगर आप ब्लोटवेयर एंड एड्स से काम चला सकते हैं तो ये फोन आपके काम का है। अगर आपको ब्लोटवेयर से दिक्कत है, एड्स से आपको दिक्कत है, तो फिर ये फोन आपके काम का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ब्लोटवेयर एंड बहुत ज्यादा एड्स एंड नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन फीचर्स आपको बहुत सारे मिलते हैं। गेम स्पेस आपको मिलता है, किड्स स्पेस आपको मिलता है, यहां पर आपको ऐप लॉग मिल जाता है, ऐप क्लोनिंग का सपोर्ट मिलता है, तो सॉफ्टवेयर में फीचर्स आपको मिलते हैं एंड कोई भी UI lags वगैरह मुझे देखने के लिए नहीं मिले हैं, कोई ऐसे बड़े bugs देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन bloatwares और ads जो है इस phone का सारा experience खराब कर देते हैं भाई। So yes, मेरे हिसाब से software experience इस phone का उतना better नहीं है। इसके बाद में बात करेंगे network reception की, तो बढ़िया तरीके से काम करता है, 4G 4G plus carrier aggregation बढ़िया काम करता है, network reception अच्छा है। एंड कॉल क्वालिटी की अगर बात करें तो हालांकि यहां पर आपको कोई भी सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी कॉलिंग की क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिलती है, सामने वाले के पास में आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से जाती है, तो कॉलिंग में आपको दिक्कत नहीं आती है। ओवरऑल क्या ये स्मार्टफोन 12,000 के अंदर आने वाला दी बेस्ट स्मार्टफोन है? सो आई वुड से कि यस, अभी तो इस सेगमेंट में ऐसा स्मार्टफोन आई डोंट थिंक किसी और ब्रांड की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिले, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस मिले, बढ़िया कैमरा मॉड्यूल मिले, तगड़ा बैटरी मॉड्यूल मिले, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिले। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा स्मार्टफोन इस सेगमेंट में अभी अवेलेबल है। सो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं अगर आपको ब्लोटवेयर्स एंड एड्स से दिक्कत नहीं है, इस यूआई से अगर आप काम चला सकते हैं तो ये जो स्मार्टफोन है बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार हैं इस फोन के बारे में, क्या ये स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।